हे hey, हाय, मैं हूँ जावेद जाफरी और मैं आपको बताऊंगा पांच डिफरेंसेस जो पहले के और आज के रियलिटी शोज में पाए जाते हैं। ड्रामा कोशेंट मतलब ड्रामेबाजी, जो शो है जो उसका एक्चुअल कंटेंट होता है उसके अलावा बाकी सब ड्रामा होगा, वो शो नहीं होगा। पहले क्या होता था, जो फोकस होता था उस शो पे था, चाहे वो डांस हो या गाना हो या वगैरह जो भी हो, उस पर फोकस ज़्यादा होता था। आप पुराने हमारा बुगी उगी वॉज अ पाइनियर, अंताक्षरी वॉज देयर, सारेगामा वॉज देयर। अब बहुत कुछ शो हो गए लेकिन ड्रामेबाजी अलग हो गई। इमोशंस, अभी हर चीज़ इमोशनल होगी कि यार उसकी माँ को बुलाओ, फोकस करो, क्लोजअप लो, आंसू निकालो, उसके बाप को बुलाओ, उसके घर दिखाओ, वो कहाँ खोली में झोपड़े में रहता है, अरे बाप रे इतना गरीब। तो ये जो ड्रामेबाजी बिल्डअप हो गई है वो हमारे टाइम नहीं थी, हमारे इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक कि भैया अगर है, अगर कोई गरीब बैकग्राउंड से आया है तो उसकी बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तो चेंज हो गया, अभी ये हो गया है कि ओहो ये डांसर इज नॉट सो गुड लेकिन उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, उसकी कहानी अच्छी है, तो ये डांसर को ले लो क्योंकि मम्मी की स्टोरी बहुत अच्छी है। तो ये हो गया आजकल। उस जमाने में टैलेंट रियलिटी शो हुआ करते थे, उसमें सिर्फ प्योरली टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलने वाली गाड़ी बहुत आगे चली गई है और उस प्लेटफॉर्म से करियर बन जाते हैं ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस हो गए हैं, डांस स्कूल्स खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं वगैरह। तो समटाइम्स तो अभी ये भी हो गया कि एक पर्टिकुलर शो में आने के लिए उसके लिए एक बाकायदा स्कूल है कि आपको यहाँ आना है तो यहाँ ही हम बताएंगे आपको इस शो में कैसे आना चाहिए। तो अगेन करियर ऑप्शंस, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ बिकॉज ऑफ द बुगी बुगी कनेक्ट। बुगी बुगी इज एन ओरिजिनल शो, सारेगामा ऑल्सो इन अ वे वॉज एन ओरिजिनल शो, अंताक्षरी वॉज एन ओरिजिनल शो। अब जो है फॉरेन के फॉर्मेट्स लेने का, बिकॉज नहीं वो एक वो फॉरेन इन्फ्लुएंस, आहा बाहर की चीज़ें तो बहुत अच्छी होगी, तो उनके फॉर्मेट लेते हैं, उनको अडेप्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स आई डोंट थिंक कि हर बार ये चलता है क्योंकि ऑडियंस बहुत फ़र्क है। अमेरिकन ऑडियंस एक जबान बोलती है, एक लैंग्वेज है, मोस्टली एक कल्चर है मोस्टली, और पॉलिटिकल सर्किट एक। हिंदुस्तान में 50 मेजर लैंग्वेजेस हैं, कुछ 200 कल्चर हैं, ज़बानें, फोक म्यूज़िक, डांस। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम बोलेंगे वो फॉर्मेट यहाँ ला के चलाओ, बिकॉज हमारी सोच, हमारे लोग, हमारी इट्स वेरी डिफरेंट हमारा एंटरटेनमेंट। सो दैट्स द डिफरेंस नाउ। टैलेंट वॉज किंग, तो उस वक्त एवरीथिंग वॉज टैलेंट है, आ जाओ। नाउ जैसा मैंने कहा कि टैलेंट है, इंटरेस्टिंग मम्मी की स्टोरी है, इंटरेस्टिंग डैडी की स्टोरी है, तो अच्छा बैकग्राउंड क्या है, इसको हम लेके आगे आ सकते हैं, इसको स्टार बना सकते हैं, गाना गाएगा, इसका म्यूज़िक लेबल होगा, इसका पिक्चर में जाएगा, तो ये सब चीज़ें, बिजनेस पैकेजिंग, इट वॉज प्योर टैलेंट देन। नाउ देर इज़ एज आई सेड देर इज़ पैकेजिंग, हाउ यू एडवर्टाइज, लुक्स हैं, मेकअप क्या होना चाहिए, कपड़े क्या पहनने चाहिए, इट बिकम मोर ऑफ अ पैकेज दैन जस्ट टैलेंट। कीप वॉचिंग सच वीडियोज़, अब सच वीडियोज, सच तो होता नहीं है लेकिन सच वीडियोज़ ऑन रेड एफ एम।